नौ रोज से ओ मैया मैंने तुमको कथा सुनाई, चले जाए तो ना कहियो जा बिटिया ना ही कसाई। नौ रोज से विषय निकाम में बाजी प्रेम बसुरिया, विषय नगाम को नाम बदल में रख दो प्रेम नगरिया। मुझे मेरी माँ का प्यार मिला, हमारे श्रीमान बाबूराम चाचा जी ये घर से बार बार खाने पीने के बारे में पूछना, हमारे हमारी आंटी जी का रोज का नियम रहा मेरे लिए दूध लाना, घर पर भी मेरी खातिर रखना, मेरी देख रेख रखना। मुझे मेरी भाभी का प्यार मिला श्रीमती सरोज देवी, बड़े भाई का प्यार मिला मुकेश भैया, प्रमोद भैया हमारे परीक्षित महाराज, और हमें सभी के नाम भी नहीं मालूम है। मैंने कहा था लिस्ट बना के दे दो, अभी तक नहीं दे पाई। और एकीपति महाराज, अन्य सभी ने मुझे अपने गले का हार बना करके रखा, जिससे मुझे ये याद नहीं हो पाया कि बिसेन में आकर के नौ रोज किस तरह से व्यतीत हो गए। बाबू राम मेरे बबुलाने पापा को प्यार जताओ, बाबू राम मेरे बबुलाने पापा को प्यार जताओ, सरोज मेरी प्यारी बाबज ने गले हार बनाओ, मेरी बहन ने मेरी दिन रात है टेल बजाई, मैया और बहन मेरी ने मेरी खूबई खेल बजाई, आज समझ में आई मेरे बिछुड़ने की बारी आई। और मेरे पास फोन गया शिवान प्रमोद भैया और मुकेश भैया जी की तरफ से, यहाँ तक आप सभी के दोबारा से मुझे बुला करके आप सभी की एकता ने दर्शन कराए हैं, इसके लिए मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। ग्राम बिसेन की जन्मभूमि, राम बिसेन की जन्मभूमि तो बिटिया करे नमस्ते, ग्राम बिसेन की जन्मभूमि आकृति करे नमस्ते, अभी यहां से हम जाएंगे कुछ रोटी कुछ हंसते। और इस समय जो ढोलक बजा रहे हैं हमारे शिवम यादव भैया जी, ढोलक पर शर्मती कर रहे हैं शिवम यादव भैया इटावा से हैं। इस समय भैया जो घड़ा बजा रहे हैं
धर्मेंद्र भैया ये सहजान कला से हैं। हमसे पहले जो कथा कहते थे हमारे मामा जी श्रीमान अवधेश यादव जी और ये हमारी माताएं मेरी विदाई कर रही हैं। इस समय जो चिमटा पर संगति कर रहा है मेरा अपना माजियाया भाई है, आप सभी जानते हैं राहुल यादव। माताओं दिन दिन कर की प्रीति दिन दिन कर की प्रीति अरे छुड़वाई दे माई बाप हम परदेसी लोग नैन तुमसे लगी अरे कैसी तो नीना लगी। पूजा बहना कैसी तो नीना लगी और कैसी जुड़ी गई प्रीति ओ भैया कैसी जुड़ी गई प्रीति हम परदेसी लोग नैन तुमसे लगी बताओ हम पास रहे नैना अलगी तुलसी दीदी हम पास रहे नैना लगी और बोलन से बढ़ गई प्रीति री बहना बोलन से बढ़ गई प्रीति हम परदेसी लोग नैन तुमसे लगी अब कैसी तो नैना छुटी सरोज भाभी अब कैसी तो नैना छुटी बाबज कैसी छुटेगी प्रीति ओ भाभी कैसे छुटेगी प्रीति हम परदेसी लोग नैन तुमसे लगी और मुझे बड़े भाई का प्यार मिला गोदर भैया जी और शोमपाल प्रधान जी भैया जी उनकी धर्मपत्नी रामा भाभी जी पारुल बहन नीरज सभी ने मुझे अपने गले का हार बना करके रखा। तनिक भी मुझे ये नहीं किया तो होने दिया मैं अपने घर पर हूँ या कहीं दूसरी जगह। पिछली बार से इस बार वैसे कभी कभी ऐसा होता है लगता है कि दोबारा जा रहे हैं तो प्रेम में कुछ कमी हो लेकिन नहीं पिछली बार से इस बार प्रेम और ज्यादा मैंने माता बहनों के अंदर उमड़ता हुआ देखा अपने लिए। उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का प्यार आप सभी का स्नेह इस बेटी को बिलकने के लिए मजबूर कर रहा है। कैसे तो नैना छुटे और कैसी छुटेगी प्रीति मुकेश भैया कैसी
हम परदेसी लोग नैन तुम से लगी हम दूरी रही नैना हम दूरी रही नैना छुटी हम मरे से छुटी जाई प्रीत री मैया हम मरे जाए छुटी जाए प्रीत हम परदेसी लोग नैन तुम से लगी और हमारी सभी माताएं व्यासपीठ की मेरी विदाई करके गई हैं। हमारे यज्ञपति महाराज 101 रुपए से मेरी व्यासपीठ की विदाई करके गई हैं। सरोज भाभी 51 रुपए से विदाई करके गई हैं। हमारे बड़े भाई मुकेश भैया जी ये 101 रुपए से छोटी बहन की व्यासपीठ की विदाई करके गए हैं। और ये बेटी जिसे कृष्ण का पद मिला था वो एक बीजना से मेरी विदाई करके गई हैं। और बहन मिथिलेश जो श्रीमान जसवीर राठौर भैया जी की पुत्री हैं विशेष से ये एक गिफ्ट से मेरी विदाई कर रही हैं। बहन संजना राठौर खमड़िया से हैं हमारी बहन गिफ्ट से विदाई कर रही हैं। और बहन हिमांशी वर्मा इसी गांव विशेष से गिफ्ट से विदाई कर रही हैं। बताओ और एक बात और बताऊं जो मैं आप सभी की सेवा कर रही हूं जो मैं आप सभी की सेवा कर रही हूं सबसे बड़ा हाथ है मेरे ऊपर मेरे पिताजी का। और ये 51 रुपए से विदाई कर रहे हैं हमारे श्रीमान सूरत वर्मा भैया जी 51 रुपए से छोटी बहन की विदाई कर रहे हैं। बहन पूजा 21 रुपए से विदाई कर रही हैं। और ये बादल बेटा बादल 21 रुपए से विदाई कर रहे हैं। और ये 21 रुपए श्रीमान बाबूराव शर्मा जी जिनके द्वारा मुझे मेरे पिता का प्यार मिला। 51 रुपए हमारी आंटी जी जिनके द्वारा मुझे मेरी माँ का प्यार मिला। बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। और देखिए ये लोग कहते हैं कि रोना एक बात बताऊं रोता कोई नहीं है लेकिन जहां पर प्रेम मिलता है वहां बिछुड़ने के लिए रोता कोई नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक प्रेम जो होता है अटूट वो दूर होने पर अपने आप को रोकने नहीं देता है रोकने के लिए। इसलिए राजकुमार पिताजी मेरे गांव का सोन बसैया और श्रीमती रामा देवी हमारी भाभी ये 51 रुपए से मेरी व्यासपीठ की विदाई कर रही हैं जो श्रीमान सोमपाल पूर्व प्रधान जी भैया जी की धर्मपत्नी हैं। राजकुमार पिताजी मेरे गांव का सोन बसैया हम ही छोटी बहना वीरन तो ही मेरे भैया बहनों में सबसे छोटी हूँ। और हमसे छोटे मेरे दो भाई हैं एक तो मेरे साथ में ही रहता है और एक आगरा में रहकर की पढ़ाई कर रहा है आकाश यादव। हमारी बहन नेहा 21 रुपए से विदाई कर रही है जिनके द्वारा मुझे मेरी बहन का प्यार मिला। इन बहनों ने आकर के मुझे मेरे दिल को
बहलाया मुझे खुश रखा, पल भी ये याद नहीं आई मैं कहीं गैर हूँ, कहीं दूसरी जगह हूँ या घर पर हूँ। राजकुमार पिताजी मेरे गांव का सोनी बसैया, हम हैं छोटी बहना वीरन दो ही मेरे भैया। बताओ सब कुछ पास मेरे है फिर भी मैं किस्मत की खोटी, सब कुछ पास मेरे है फिर भी मैं किस्मत की खोटी, मेरे गुरुजी साथ छोड़ गए उनकी याद में रहती हूँ रोती। पक्का गुरुजी जी सकपुर पर सुंदर आश्रम बसायो, वहां बुलाए मेरे गुरुवर ने मोए संगीत सिखायो। बताओ प्रेमी बनी बनी के भैया, प्रेमी बन बन के बहना चली गांव अपने को, और ये 21 रुपए और विदाई वस्त्र है कमेटी की तरफ से मुझे भेंट हुए हैं, और प्रेमी बनी बनी की, और ये विदाई वस्त्र और 21 रुपए कमेटी को, हमारी कमेटी की तरफ से हमारे मामा जी को सहयोग राशि वो विदाई वस्त्र भेंट हुए हैं, और हमारे श्रीमान शिवम यादव भैया जी को 21 रुपए और वस्त्र विदाई भेंट हुए हैं, और हमारे धर्मेंद्र भैया सहजान कलान से हैं 1 जोड़ी वस्त्र और 21 रुपए भेंट हुए हैं। इस समय कैमरा जो चला रहे हैं हमारे हैप्पी भैया जी, हैप्पी भाई, इस समय जो कैमरा चला रहे हैं हमारे हैप्पी भैया जी, ये आपको यहाँ की कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी अंश स्टूडियो पर और अवनीश यादव चैनल पर, अवनीश यादव चैनल पर और अंश स्टूडियो पर आपको यहाँ की कथा श्रवण करने को मिलेगी, और आरोही वीडियो चैनल पर और एक चैनल मेरे नाम से है देवी आकृति जी, ये हमारे चैनल हैं, इस पर आपको यहाँ की कथा सुनने को मिलेगी। और आज दूसरा दिन लग गया, आज मेरी कलश यात्रा होगी जिला कन्नौज गांव भोजपुर में श्रीमान रजनीश फौजी साहब जी के सौजन्य से, उन्होंने अनुष्ठान कराया है, उनके यहाँ आज मेरी कथा शुभारंभ होगी। प्रेमी बनी बनी की भैया, प्रेमी बनी बनी की
के बीच में 9 दिन तक सुंदर साउंड बजाया। भाई आप सभी के जाने पहचाने हमारे बड़े भाई श्रीमान वली हसन भैया जी, जिन्होंने मुझे अपनी एक लाडली बहन बना करके रखा, और कमेटी की तरफ से मेरे बड़े भाई की बी ब्यास की तरफ से, कमेटी की तरफ से विदाई हो रही है। एक जोड़ी वस्त्र हैं और 20 रुपए से हमारे बड़े भाई वली हसन भैया जी की विदाई हो रही है। जियती रहे तो फेर मिलेगी, बताओ, जिंदा रहे तो फेर मिलेगी, नहीं जाई कन्हैया की शरण गहेगी, और हम तो पिछले बार भी यही प्रार्थना करके गई थी, आज भी बाबा से यही प्रार्थना करके जाऊंगी। प्रत्येक वर्ष आपके भक्त एकता बना करके किसी न किसी विद्वान को, किसी न किसी वक्ता को इस जगह पर बुला करके भगवान की कथा कराते रहे, और अगर आप लोग हमसे मिलना चाहें तो आपको लोकेशन मिल जाया करेगी मीरापुर में, हर एक वर्ष मेरी कथा होती है, और इस बार भी वहाँ का बयाना पहले ही दे चुके हैं वो लोग, तो जो भी मिलना चाहे तो वो, क्योंकि देखिए समाज का काम है तो समाज की सहमति से ही किसी को भी बुलाया जाए, समाज की सहमति से भी बुलाया जाए, और ये ना हो कि 4 लोग कह रहे हैं आप प्रति, 4 लोग कह रहे हैं किसी और को, 4 लोग, ये गलत है। पूरी सहमति बनाइए, भले किसी और को बुलाएं, आकृति को ना बुलाएं किसी और को, लेकिन एकता होनी चाहिए। मेरा मतलब ये एकता होनी चाहिए, मिलने के लिए प्रेम की प्रकाष्ठा ये है। ऐसा नहीं है कि भागवत के थ्रू ही मिल पाएंगे, ऐसा नहीं है, आसपास भी भागवत चलेगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूट्यूब के थ्रू, तो आप लोग अगर मिलना है तो वहाँ पहुँच सकते हैं। इसलिए आप तो आप ही हो श्रोता, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरी आज से कथा है कन्नौज में, वहां जानो बहुत जरूरी है। खड़े हो जाएं सभी, सभी लोग खड़े हो जाएं। बेटी चलती अपने गाम सब को राम राम राम, आकृति चलती अपने गाम सब को राम राम राम, जियत रहे तो फेर मिलेगी, नहीं जाई कन्हैया की गोद खेलेगी, अंतिम लेना सभी प्रणाम सबको राम राम राम, बेटी चलती अपने गाम सबको राम राम राम, और आप सभी से एक निवेदन है, चाहे आप निवेदन समझ लीजिए और चाहे ये समझ लीजिए कि ये बेटी चलते चलते आप सभी से एक भीख मांग रही है, वो भीख क्या है, वो हैप्पी भाई, वो निवेदन ये है कि अपने माता पिता की खातिर करें, अपने बुजुर्गों की इज्जत करें, उनका सम्मान करें, ये आप सभी से मेरा निवेदन है, या बाली जी के चलते चलते बेटी भीख आपसे मांग रही है। और एक बात और कहूंगी, आप लोग हमें भूलो भूल जाना भैया, आप लोग हमें भूलो भूल जाना, क्योंकि हम तो एक तिनका हैं,
लेकिन हमको भूलो भूल तुम जइयो मेरे कन्हैया को पति भूलियो हमको भूलो भूल तुम जइयो मेरे प्रभु को पति भूलियो इनको इनको ध्यान धरियो सुबह शाम सबको काम ना बुरा आकृति चलती अपनी काम सबको ना जाने तुमसे कौन